हेलो फ्रेंड्स, ज्योति रेसिपी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे कद्दू की सब्जी, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। यकीन मानिए, आप इस ट्रिक से बनाएंगे तो आपके कद्दू की सब्जी काफ़ी यम्मी बनेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और हाँ, बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करेंगे। हमने लिया है 1/2 kg कद्दू, 3 मीडियम साइज के आलू लिया है हमने। अगर आपको आलू डालना ना पसंद हो तब स्किप कर सकते हैं। इसे हम अच्छे से वॉश कर लिए हैं, इसे बारीक चॉप कर लेंगे। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो आप इसके छिलके भी निकाल सकते हैं। अगर आपको पसंद है तो इसके स्किप ना कीजिए। तो चलिए, हमने बारीक चॉप करके रख लिया है, अभी बनाना स्टार्ट करेंगे। हमने लिया है अदरक घिस कर, धनिया 2 कंदा मीडियम साइज के, 2 लाल मिर्च और हरा मिर्च। गैस ऑन कर लेंगे। अब कढ़ाई रख लेते हैं, इसमें डालेंगे 2 या 3 बड़े चम्मच ऑयल। तेल जब हमारा गर्म हो जाए तो इसमें हम सरसों के दाने डाल देते हैं, 1/2 चम्मच लिया है हमने। 1/2 चम्मच जीरा डाल देंगे, हरी मिर्च, अदरक भी डाल देते हैं। मीडियम फ्लेम में इसे अच्छे से भून लेते हैं ताकि हल्का ब्राउन हो जाए। फिर 2 सूखा मिर्च हम ऐड कर लेंगे इसमें। अभी हम कांदा भी अपने डाल देते हैं, अच्छे से भून लेंगे। लगभग 1 से 2 मिनट लगेंगे इसे ब्राउन होने में। जब ब्राउन हो जाए तो हम अपने कद्दू डाल देते हैं। आप इसी ट्रिक से बनाइए, बहुत ही टेस्टी बनेंगे। हम सारे कद्दू और आलू को डाल दिए हैं, इसे अच्छे से चला लेंगे। गैस लो फ्लेम करके इस पर रख देते ढक के लगभग 5 से 10 मिनट तक पकने के लिए। 5 से 10 मिनट हो गए, अब इसे हम चेक कर लेंगे। देखिए, हमारे कद्दू की सब्ज़ी आधी हो गई है। इस पर हम मसाला ऐड कर लेंगे। इसमें डालते हैं 1/2 टेबल स्पून हल्दी, 1/2 टेबल स्पून सूखा धनिया पाउडर और 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर ऐड कर लेंगे। इसी के साथ डालते हैं स्वाद अनुसार नमक, लगभग 2 चम्मच हमने नमक डाला है। अच्छे से मिला लेते हैं। हमने इसमें ज़्यादा मसाला ऐड नहीं किया है, अगर आपको पसंद हो तो आप ज़्यादा मसाला ऐड कर सकते हैं। आप इसे अच्छे से मिला लीजिए। आप या पराठे या तो पूरी के साथ खाएंगे तो इसके टेस्ट काफ़ी अच्छे आते हैं। इसे अब हम चेक कर लेंगे। इसी तरह चलाते हुए लगभग 5 से 10 मिनट लगेंगे इसे पकने में। वापस 5 मिनट के लिए ढक के रख दिए हैं, अब हम चेक कर लेंगे। देखिए, हमारे कद्दू की सब्ज़ी तैयार हो गई है। अब इसे हाफ चेक करके दिखाते हैं आपको। देखिए कितना टेस्टी बना है। देखिए, एक बार आप फ्रेंड्स इस तरीके से ज़रूर बनाइए, आपके कद्दू की सब्ज़ी काफ़ी टेस्टी बनेंगे। इसमें हम धनिया ऐड कर लेंगे, अच्छे से चला लेते हैं। इसे अब हम प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए, हमारे कद्दू की सब्जी बनकर तैयार हो गई है। इसे हम प्लेट में निकाल रहे हैं, काफ़ी टेस्टी दिख रही है। आप इसी ट्रिक से ज़रूर बनाइए, आपको कद्दू की सब्जी काफ़ी टेस्टी बनेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आज का रेसिपी हमारा पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो में हम ऐसे नए नए वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।